I'll be the last one last when the lights go out. चलते हैं फिर लंच करने अपना यार, बाल एक तो इतने खराब लग रखे हैं ना। मैंग उठा लिया मैंग, लेट्स गो फॉर लंच। अबे बच्चे कमेंट कर रहे हैं भाई, वीडियो निकालो कुछ, YouTube पे कमबैक करो फटाफट। करते हैं थोड़ा एक दो भाई, जब मैंग का कमबैक होगा ऐसा होगा सब कुछ भूल जाओगे तुम फिर। बेस्ट कमबैक गाइस, ये लड़कियों को स्टॉक कर रहे हैं और यहाँ चल रहा है खाना। आज हमें खाने में मिले थे पीले रंग के चावल, दाल रोटी तो रहती है एंड मिक्स वेज की सब्जी थी जो मैं ख़त्म कर चुका है। एंड लड़की स्टॉकर दिखा, अबे यार लड़कियों को मत दिखा, बस बंद कर रहा हूँ मैं। लड़की स्टॉकर बाहर हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा, और वर्षा का सोल्यूशन ये छाता। अब छाता लेके मैं निकल जाऊँ क्लास के लिए, निकलते हैं भाई। बारिश इतनी हो रही है, हम लोग तो आ चुके हैं क्लास में, प्रोफेसर नहीं आए हैं। एंड स्ट्रेंथ भी देख सकते हो तुम कितनी ज़्यादा कम है। एंड ये ओल्ड एस्थेटिक IIT वाली क्लास है। ये अथर्व रहे हमारे साथ और ये गीतांश। यार एक तो ना बाल कटवा रखे हैं भाई, कैमरा खोलती खुद की शक्ल देख के हो जाता है। तो भाई अपनी वो हो चुकी है लैब ख़त्म, लैब नहीं ट्यूटोरियल थी, नेहुल की लैब चल रही है, नेहुल लैब बंक कर चुका है। और अभी मेरी मम्मी देखती है भाई, किस दिन पिटवाएगा मेरे को अभी। अबे बंक नहीं, आंटी जी बंक नहीं करिए, वैसे ही बेचारा कॉफ़ी पीने आया है। तो अभी ट्यूट ख़त्म हो चुकी है एंड जा रहे हैं LHC कुछ काम से। और बाकी बारिश भी रुक चुकी है, सही मौसम हो चुका है, बहुत सुहावना। देखते हैं बाकी क्या करते हैं। नेहुल मेरे को अपने लैब में ले आया, ये है टेक्सटाइल केमिकल लेबोरेटरी। नेहुल भाई टेक्सटाइल बना जितनी चिले हैं कोई कुछ पढ़ता ही नहीं, सब चिली करने मुझे। हमारे बड़े दिल के नेहुल भाई, बच्चों ने बोला चाय पिला दो, चाय पिला। ये तो वही वाला होगा, मेरे को नहीं पता था दूसरे देश से कोई आया है। मैंने बोला चाय पिलाने का, मैंने चाय पिला दी। नेहुल है तो यार बड़े दिल का, बट मैं तो इस चीज़ के पोज में हूँ यार, चाय तो बच्चों को नहीं पिलानी चाहिए। अगर इतना पिलाना था दूध पिला देते। चाय को इतने छोटे से बच्चे का चाय से क्या मतलब। शक्ल शक्ल भाई हमने क्या किया, उस बच्चे का थोड़ा पीछा किया। मैं नेहुल को ये बोल रहा था कि शायद इतना कहाँ भलाई का जमाना है। उस बच्चे ने क्या किया यार, अपने पापा को पिलाई थी, मतलब वो चाय भी एंड वो मट्ठी लेके गया था, तो दो चाय और मट्ठी दोनों साथ बैठ के पी रहे थे। काफ़ी सही लगा यार, नेहुल बढ़िया आदमी है यार, अब सिर तो दिल खुश हो गया। पहले मैं अपोज कर रहा था, आप सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। तो मैं स्टाफ कैंटीन के दर्शन करा देता हूँ। ये हमारी स्टाफ कैंटीन, काफ़ी बेकार कर दी यार अब तुम। आए तो मैं सर को ढूंढने का। चलो लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही मिल चुकी है बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ पे चल रहा है ड्रामा। जो नए नए फ्रेशर्स आए हैं, फच्चे आए हैं, उनका ड्रामा चल रहा है। आते वक्त हमें मिल चुके हैं फोटोग्राफी क्लब के किंग पुनीत और मयंक, कैप्चर कर रहे हैं कुछ, तो उनको पता नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनको, सीधा व्लॉग में ही डालूंगा अब तो, तभी पता लगेगा। फिर से आके खाना खा लिया, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इसका 20,000 का सामान मिल चुका है। कैसे क्या इसने क्या ढूंढा, 25,000 यार ये तो, मतलब 25,000 का सामान मिल चुका है। इसने कैसे ढूंढा आप बताता हूँ, इससे पूछता हूँ, बैठ यहाँ पर। हाँ तो रीन ये बता, कल ढूंढा कैसे, इंद्रपुरी तक उन्होंने बताया था, उसके बाद तूने क्या किया? अब आते इधर क्यों, बस मेरे को ये समझ में आ गया था कि दिल्ली पुलिस कुछ काम करने की नहीं है सरकारी लेवल पे, तो मैंने एक पर्सनल लेवल पे दिल्ली पुलिस में एक बंदा है उसको फ़ोन किया, उसने फिर कैमरा चेक करवाए। पर्सनल लेवल पे तूने फ़ोन किया और उस बंदे ने जानकार, उसको पता होते कहाँ कैमरा चेक? उस बंदे ने कुछ नहीं किया, वो बंदा सर इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है। पहले एक को फ़ोन किया, वो घर गया था, उसने कहा कैमरे चेक कराता, तो उसके बस की नहीं थी कैमरे पर पता क्या था जो भी था। फिर एक शालिंदर सर हैं SHO हैं पटेल नगर के, उनको फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ मेरे से पूछा लोकेशन और टाइम, और उन्होंने सीधा मेरे ऑटो वाले का प्लेट का नंबर और फ़ोन नंबर ही भेजा। उसके बाद फ़ोन नंबर ही भेज दिया, एक मिनट में निकलवा दिया। फिर मैं उसको फ़ोन किया, और अच्छी बात क्या थी, ऑटो वाले के मन में ऐसा नहीं था कि मैं सामान चोरी कर लूँ। उसने मेरे फ़ोन करने बाद ही ऑटो में चेक किया, बोला अच्छा सर सामान रह गया, मैं सीट के पीछे रखा है। तो उसने जाके अपने ऑटो में चेक किया, वो घर पे जा चुका था तब तक। फिर बोला हाँ सर है सामान, मैं ठीक है कल लेता हूँ। तो इस समय पता लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ख़राब है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लोग अच्छे हैं और ऑटो वाला भी अच्छा था। मैंने प्रोमिस किया था कल कि कपड़े मिले या ना मिले, जूते मिले या ना मिले, ये मतलब घेवर जरूर खिलाएगा।
तो हम बीकानेर वाला आ चुके हैं, आईटी वाला बीकानेर वाला आ चुके हैं। घेवर मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। इस बार नो डोडा बर्फी, नो अदर चीज। बीकानेर वाला बोल रहे हैं 534 रुपये का आधा किलो, तो इतना तो नहीं था। 410 रुपये का आधा किलो तो हल्दीराम से मिल जाता है। तो हमने सोचा कैंपस से थोड़ा बाहर चलते हैं, हल्दीराम्स का देखेंगे कैसा रहता है। घेवर खाना बहुत ज़रूरी है गाइस, तुम लोग भी घेवर खाओ यार। ये मतलब ये सावन का जो टाइम होता है, घेवर खाने का टाइम होता है, और जो घेवर नहीं खा रहा है तो तुम लोग तो यार बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। बस इसी टाइम तो घेवर आता है, तो घेवर फुल ऑन घेवर खाओ, पढ़ाई करो बस। रास्ते में अपनी औकात याद करी कि भाई हमारा मतलब हैवी नहीं बजट, 410 रुपये का भी नहीं है, और प्लस में पेट भी निकला पड़ा इसका, तो मतलब मेरा भी है लेकिन इसका ही दिखा रहा हूँ मैं। तो आइस टी ही ले सकते हैं 25 रुपये की, और वो भी एक दो ले ली। पैसे कौन दे सकते दो हैं। हमारा घेवर का हंट हुआ पूरा यार, घेवर तो मिला नहीं। आखिरी में 25 रुपये की दो आइस टी से काम चलाना पड़ा, अपनी औकात याद आ गई थी बाद में। अब घर जाऊंगा, घर जाके घेवर मिलेगा। अभी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो तुमने हर सर को हमेशा पढ़ते हुए देखा होगा, पहले बार हंसते हुए देख लो। पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़े हैं, पीछे लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। अभी कुछ अभी भी सर तो 2-4 बजे तक पढ़ने वाले हैं, अभी तो बस कॉफी पीने जा रहे हैं। अथर्व के रूम पे आके एडिट कर लिया था, अभी बस तुमसे एक फीडबैक पूछना था। ये बताओ कि क्या कहते हैं, व्लॉग को थोड़ा बहुत और लंबा करना चाहिए या इतना वो ठीक है? मतलब कि अगर लंबा करना चाहिए तो कितना लंबा करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना यार। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा इतना ही रखो, 6 से 8 मिनट के बीच तक का ही, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई भी करनी होती है यार। तो इतने में माइंड रिफ्रेश हो जाता है कि 6-7 मिनट ये देख लो, थोड़ा बहुत 2-3 मिनट और कुछ देख लो, और 5-10 मिनट मतलब 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए अगर किसी को कुछ और भी कंटेंट कंज्यूम करना हो 15 मिनट के ब्रेक में, या कुछ और करना हो तो उससे थोड़ा ब्रेक हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखता हूं लोग। बाकी तुम लोग बता देना यार कमेंट सेक्शन में, जिस पे जो ज्यादा होगा फिर उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। बाकी ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि बड़े बड़े व्लॉग के चक्कर में फिर तुम अपनी पढ़ाई से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है यार, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो रखनी है, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मचा देना, मचा दो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।